पाकिस्तान के दिल लाहौर में जवान लाशें, पुरनम आंखें, उदास चेहरे, लेकिन अमन कायम करने का अज्म आज भी जवां। सानहे के बाद सिक्योरिटी इदारों ने शवाहिद इकट्ठे करके फिरोजपुर रोड खोल दी। सब इंस्पेक्टर रियाज, कांस्टेबल मुर्तजा, अली रजा, साजिद और कौम के दूसरे हीरो मनो मिट्टी तले जा सोए। लाहौर हमले की तहकीकात के लिए जीआईटी बनाने का फैसला। सीटीडी ने मरासला भेज दिया। जिंदा दिलों पर वार करने वाले बुजुर्गों के दो साथी हाथ लग गए। हमलावर को पहुंचाने वाले सहूलतकार की भी निशानदही। बंद रोड से भी एक मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। आर्मी चीफ का लाहौर के जनरल अस्पताल का दौरा। जख्मियों की आयादत, सिक्योरिटी इजलास से खिताब में कहा, बुजुर्गाना हमले हमारा आज़्म कमजोर नहीं कर सकते। शहदा का लहू रंग लाएगा, कौम बदलाव जरूर लेगी। शहबाज शरीफ ने धमाके के जख्मियों के आयादत की बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत। सानहे लाहौर पर कौम रंजीदा है। पुलिस ने बहादुरी से मुकाबला किया। ताहम सेफ सिटी मंसूबे का पोल खुलकर सामने आ गया। कमर जमान कायरा की जनरल अस्पताल के बाहर गुफ्तगू। दहशतगर्दी में जख्मी होने वालों की शहादत के जिम्मेदार शहबाज शरीफ हैं। चौधरी परवेज इलाही ने सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क करने का इल्जाम लगा दिया। नहीं मारेगा, हड़ताल हमारा जारी और सारी है। बीमार टैंकर्स के मालिकान हठधर्मी पर कायम, एक्सल बढ़ाने और हिफाजती इंतजामात पर तैयार न हुए। हुकूमत से मुजाकरात नाकाम, दमादम मस्त कलंदर की धमकी। मुल्क भर में तेल की सप्लाई बंद, बहरान पैदा होने का खदशा। ओग्रा का ऑयल टैंकर मालिकान के सामने घुटने टेकने से इनकार। 40,000 तेल के लिए 3 एक्सेल्स, 50,000 लीटर के लिए 5 एक्सेल्स लाजमी। जिंदगियां खतरे में नहीं डालने देंगे, लगता है मार्केटिंग कंपनियां हड़ताल के पीछे हैं। मामला मुजाकरात से ही हल होगा, ब्लैकमेलिंग नहीं करने देंगे। तर्जमान ओग्रा इमरान गजनवी का इंतबाह। इमरान खान की मनी ट्रेल पेश, वाहिद जरिया आमदन क्रिकेट था। रकम जमायमा ने भेजी, नईम बुखारी के दलाल। जमायमा ने रकम मेरे अकाउंट में मुंतकिल की। राशिद खान का बयान, पहले कहा गया रकम जमायमा ने भेजी, अब कहा जा रहा है $26,000 राशिद खान से लिए। चीफ जस्टिस ने कहा, इजाफी दस्तावेजात जमा कराएं, फैसला जल्द करना चाहते हैं। कतरीना की याद आ गई, मुलाकात का तذکرہ भी किया, अपनी जवानी का राज भी बताया, सहाफी को धोबी पटका दे दिया। झूठे इल्जामात लगाने पर शरीफों और हवारियों का शुक्रिया, कप्तान की ट्वीट। फवाद चौधरी कहते हैं, मनी ट्रेल दे दी, कमाई हलाल की हो तो खत की जरूरत नहीं पड़ती। हनीफ अब्बासी कहते हैं, पनामा केस में नवाज शरीफ का नाम नहीं। तलाल चौधरी ने कहा, मनी ट्रेल मांगी, ये मुन्नी ट्रेल ले आए। इमरान खान को पकड़ना नहीं, भगाना है।
इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस पर फैसला 10 अगस्त तक महफूज। पीटीआई ने दायरा इख्तियार फिर चैलेंज कर दिया। क्या नवाज शरीफ की कहानी खत्म होने जा रही है? अगला वजीर आजम कौन होना चाहिए? अवाम ने फैसला सुना दिया। 51% शहरियों का नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालिबा। 59% शहबाज शरीफ को वजीर आजम तस्लीम करने पर तैयार। सुप्रीम कोर्ट और फौज पर 79% शहरियों का एतमाद। 58% मीडिया के हामी। वज़ीर आज़म के बाद ख्वाजा आसिफ का अकामा भी मंजर आम पर आ गया। वफाकी वज़ीर दुबई की कंपनी के मुलाजिम निकले। तहरीक इंसाफ का नाअहली के लिए कानूनी चाराजोई पर गौर। खुर्शीद शाह कहते हैं अकामा रखना जुर्म नहीं, छुपाना जुर्म है। मुराद अली शाह का अकामा महज अफसाना निकला। मीडिया पर चलने वाले दस्तावेजात जाली करार। तारीख पैदाइश, नाम और पासपोर्ट नंबर में भी फर्क है। तर्जुमान वजीर आला हाउस का बयान। टेम्परिंग केस में जफर हिजाजी को क्लीन चिट देने की कोशिश। एफआईए सबूत हासिल करने में नाकाम। तफ्तीश का दारोमदार 3 ऑफिसर्स के तराफी बयान तक महदूद। सिंध असेंबली में भी गो नवाज गो की गूंज। वजीर आजम के इस्तीफे के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करारदाद मंजूर। गुजरांवाला में गो नवाज गो रैली पर 7 पीपी कारकुनान पर मुकदमा दर्ज। वजीर आजम का 3 रोजा दौरे पर मालदीव पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया मालदीव के सदर के हमरा। मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी अवाम मालदीव के लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं। कराची कोरंगी में पुलिस और ट्रैफिक अहलकारों पर हमले में एक ही ग्रुप मुलव्वस। दोनों हमलों में 9mm पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। तहकीकाती टीम का इंकशाफ। कराची के नए पुलिस चीफ के लिए नया चैलेंज। पुलिस अहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस। दहशतगर्दों का सुराग लगाने में नाकामी। सीटीडी को भी कामयाबी ना मिली। एक जख्मी दहशतगर्द की तलाश में अस्पतालों की छानबीन। एमकेएम पाकिस्तान लंदन का विंग है। बानी एमकेएम अब भी कराची में कत्ल करा रहे हैं। मुस्तफा कमाल के फारूक सत्तार और बानी एमकेएम पर वार। भारत में सिफारतकारी का दौरे बासती खत्म हो गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की कबलज वक्त रिटायरमेंट की दरखास्त मंजूर। अब्दुल बासित जूनियर ऑफिसर को सेक्रेटरी खारजा बनाने पर नाला थे। 24 न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया। कंट्रोल लाइन पर भारतीय गोलाबारी से नकियाल सेक्टर ज्यादा मुतासर। मकीन भारतीय जारियत का डटकर मुकाबला करने के लिए पुराज़्म। चोरी ऊपर से सीना जोरी। लाड़काना में बिल अदा ना करने पर वापरा हुकाम ने ट्रांसफार्मर उतारा तो जेयूआई के कारकुन मुस्ताइल हो गए। सेप्को दफ्तर पर धावा। पुलिस अहलकारों से असलहा छीनने की कोशिश। ऑडिटर जनरल और कंट्रोलर जनरल ऑफ पाकिस्तान में इख्तियारात की जंग। ऑडिटर जनरल ने कंट्रोलर ऑफिस के मुलाजमीन के तकरार और तबादले शुरू कर दिए। पंजाब में मैट्रिक के नतीजे का ऐलान। सरगुधा और साहिवाल में टॉप पोजीशंस लड़कियों के नाम। मीरपुर में नाबीना तालिब इल्म जुनेद की दूसरी पोजीशन। डेरा गाजी खान में मजदूर का बेटा आमिर पहली पोजीशन ले उड़ा। बोर्ड दफातर में इनामात तकसीम किए गए। क्या ऐसा होता है उस्ताद? भावल नगर में उस्ताद बन गया जल्लाद। नींद से जगाने पर कमसन तालिबे इल्म पर बदतरीन तशद्दुद। मार मार कर अधमुआ कर दिया। हॉस्पिटल दाखिल कराया गया तो फेफड़े फेल थे। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम के लिए प्यार नहीं मार की पॉलिसी। पिशावर के प्राइवेट स्कूल में 8 साल बच्चे पर उस्ताद का तशद्दुद। कान का पर्दा फट गया। वालिदैन ने FIR दर्ज करा दी।
जफर हिजाजी का इलाज और गरीब का मामला कुछ और। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में डॉक्टर्स ने मरीजों को अल्लाह के सहारे छोड़ दिया। पीड्स ओपीडीज में रश लेकिन डॉक्टर्स गायब। पिशावर के हयातआबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नर्सिंग हॉस्टल में तालिबात पर कर्फ्यू नाफिज। गैस के इस्तेमाल पर पाबंदी। खाना बाहर से भी नहीं मंगवाने दिया जा रहा। एहतजाज करने पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी रोक दिया गया। बन्नू में एहतजाज के दौरान भी तब्दीली का मुजाहरा। म्यूनिसिपल कमेटी के बेलदारों के घर का चूल्हा बुझा तो एहतजाज पर मजबूर हो गए। बकाया चार्ज की अदायगी के लिए डांस करके मुजाहरा। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का अनोखा इंकशाफ। ज्यादातर पुलिस स्टेशन और चौकियां किराए की इमारतों में कायम। परवेज खटर के इलाके का थाना भी किराए पर। मिलावट माफिया की नई कारिस्तानी। लाहौर के करीब बर्फ खाने में केमिकल और पाउडर से जाली दूध तैयार करने का धंधा। दूध फ्रीजर करके दुकानों तक पहुंचाने वाला गिरोह गिरफ्तार। 11,000 लीटर जहरीला दूध भी पकड़ा गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी और हब्स। आइंदा 24 घंटों में लाहौर, गुजरांवाला, सरगोधा, मीरपुर खास, सखर, हैदराबाद में बादल बरसने की पेशगोई। टीम के कल के लिए आज हुए अहम फैसले। हेड कोच की इंजमाम उल हक और मुदस्सर नजर समेत मुश्ताक अहमद से तवील मुशावरत। हाई परफॉर्मेंस कैंप में शरीक खिलाड़ियों का डेटा तलब। मिसबाह और यूनस के मुतबादल बल्लेबाजों पर गौर। खलीज ममालिक की खलीज में इजाफा। दोहा में 388 सऊदी कंपनीज ने काम बंद कर दिया।